सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत खुरमुचा ग्राम पंचायत के सहायक सचिव कांता प्रसाद द्विवेदी द्वारा खाद्यान्न पर्ची में अपने ही परिवार के लोगों का गलत तरीके से नाम जोड़कर खाद्यान्न उठाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीण चंद्रमोल द्विवेदी द्वारा बताया गया कि खुरमुचा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सचिव कांता प्रसाद द्विवेदी अपने ही घर में अपने पिता की आईडी में अपना नाम कांता द्विवेदी के जगह दादू द्विवेदी और अपनी पत्नी का नाम पार्वती की जगह पुष्पा देवी एवं अपने सगे भाई अनिल कुमार द्विवेदी का नाम अंकित किया गया है, जबकि अनिल प्रसाद द्विवेदी का अलग से भी आईडी बनाई गई है। लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि अनिल प्रसाद द्विवेदी की शादी 2014 में नहीं हुई थी, फिर भी सहायक सचिव ने अपने कलम का दुरुपयोग करते हुए अनिल प्रसाद द्विवेदी की आईडी में उनके पत्नी के रूप में साधना देवी का नाम फर्जी तरीके से अंकित किया गया है, जबकि अनिल प्रसाद द्विवेदी की शादी 2017 में हुई है। ग्रामीण चंद्रमोल द्विवेदी द्वारा रोजगार सहायक सचिव कांता प्रसाद द्विवेदी पर मनमानी तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच किए जाने की बात कही गई है। हम उस संबंध में ये कहना चाहते हैं सर आपसे कि ग्राम पंचायत खुरमुचा के रोजगार सहायक कांता प्रसाद द्विवेदी के द्वारा मनमानी तरीके से की जा रही धांधलेबाजी, अपने ही घर में अपने बाप की आईडी में अपना नाम कामता के जगह दादू जोड़े हैं, अपनी पत्नी पार्वती के जगह पुष्पा नाम जोड़े हैं और अपने भाई अनिल द्विवेदी की अलग आईडी बना के अलग पर्ची बनाए उसमें गल्ला उठाते हैं और इसमें भी अपने भाई का नाम अंकित किए हैं और गल्ला उठाते हैं, जबकि इनके भाई की शादी उस समय नहीं हुई थी जब ये गल्ला उठा रहे थे। वर्ष 2014-15-16 इनके भाई की शादी 17 में हो रही है गरिमा के साथ में और ये साधना द्विवेदी का नाम अनौपचारिक रूप से जोड़ करके ये गल्ला आहरित कर रहे हैं। इसी के संबंध में हम कहना चाहते हैं, जबकि इसका ध्यान किसी भी शासन प्रशासन को नहीं है आज तक। हमने ब्लॉक सीओ से कई बार कहा कि हम ब्लॉक सीओ के यहाँ जाएंगे, आपकी शिकायत करेंगे, तो वो बोले कि तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाइए, अधिकारी हमारे जेब में रहते हैं एनी टाइम, ये हमारे अधिकार की बात है, हमारा जो इच्छा पड़ेगा हम वो करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। सर हम परेशान हैं, हम कहाँ जाएं, हमें कुछ लोगों ने बताया कि आप मीडिया वालों से मिलिए, सर हम इसलिए आपके पास आए कि शायद आपके द्वारा इसका निराकरण हो जाए तो हो जाए। ये हमारे पास रिकॉर्ड भी है, देख लीजिए, इसमें ये ददन प्रसाद के नाम से आईडी बनाई गई है, इसमें भी अनिल कुमार है और आपको हम दिखाना चाहेंगे ये अनिल कुमार की अलग आईडी भी बनाई गई है, ये देख लीजिए अनिल के नाम से ये अलग आईडी बनाई गई है और आपको हम दिखाना चाहेंगे वहाँ ददन प्रसाद के नाम से आईडी बनाई गई है, फिर यहाँ मुखिया के जगह पर पार्वती द्विवेदी की भी आईडी बनाई गई है, जबकि पार्वती इनकी माँ है और ददन प्रसाद इनके पिताजी हैं, तो वहाँ ददन के नाम से आईडी बनाई गई है और यहाँ पार्वती के प्रेमवती के नाम से आईडी बनाई गई है। फिर जब उनको हमने बताया तो वो अपने भाई के आईडी से अपने बाप का नाम अलग किए, यहाँ देख लीजिए आपको दिखाई भी देगा, डिलीट किया गया है, डिलीट ददन प्रसाद द्विवेदी, डिलीट प्रेमवती द्विवेदी। आप कैसे कहेंगे कि उनकी शादी, जैसा उन्होंने अपने पत्नी का नाम जोड़ा था, आप कैसे कहेंगे कि 2017 में शादी हुई? हमारे पास उसका सर कार्ड है, शादी का कार्ड है, 2017 में हुआ है, कहिए हम आपको कार्ड भी मंगवा के दिखा सकते हैं। अच्छा, इस चीज का शिकायत क्या आप किसी वरिष्ठ अधिकारियों को किए? नहीं, अधिकारियों के पास हम नहीं गए, वरिष्ठ अधिकारियों के पास नहीं गए, जब बोले कि हम ब्लॉक सीओ के पास जाएंगे तो बोले कि ब्लॉक सीओ के पास किया जाओगे, तुम ब्लॉक सीओ तुम्हारे जिम में रहता है और आगे चले जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, जिला सीओ के पास जाओ, सर वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास न तो जानकारी है और न तो इतना इनकम है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। जब कभी कहते हैं तो कहते हैं कि अधिकारी हमारे जेब में है, तुम्हें जो करना हो कर लो और ज़्यादा बातचीत करोगे हम शासी कर्मचारी हैं, बंद करा देंगे तुमको। आप चाहते क्या? हम चाहते हैं सर इसका निराकरण हो जाए, सही का सही और गलत का गलत, इसमें जो सही हो सही होना चाहिए। ये दादू कौन है और ये पुष्पा कौन है ददन के आईडी में, ये कहाँ से आए और फिर इसके बाद क्यों नाम डिलीट किया गया,